ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1920 में इस देश का जो 29 जो लेबर लॉज थे उनको जो है ख़त्म करके उनका ही चार कानून लाए हैं, जिसके वजह से आज जो है हम आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जो लड़के जो हमने दे लिया है क्या हमारे कानून लिए है उसको ख़त्म कर दिए। अभी हमारा हालत ये हो गया कि हम गुलामी में पहुंच गए हैं हम लोग अगर ये कानून जो है लागू हो गए, इसलिए हम लोग फिर से अब नया सरकार आने के बाद हमारा लड़ाई शुरू हो गया लेबर के खिलाफ में, ये कानून नहीं होना चाहिए बोलते हम लड़ रहे आज। और ये स्ट्राइक आज के दिन में हम एक नोटिस देने आए हुए हैं डीसी मैडम को, कह के लिए बोले तो 50 साल से भी नौकरी कर रहे हैं हम, 50 साल से नौकरी करें तभी हमारी मांगे कभी कुछ पूरी नहीं हो रहे। अब हमारे कहने CIT में हम लोग इतने साल से लड़ रहे हैं कर रहे हैं कितने तरीके से बोल रहे हैं, हमेशा हमारी मांगे पूरी करो, बिल्कुल हर महीने में दो बार एक बार तो आते रहते, कोई मांगे पूरी नहीं होते। तो वजह यह है कि हमारे को अब तक ग्रेजुएटी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, मगर 50 साल पहले जो नौकरी करके छोड़े वो टीचरों को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, अगर 2022-23 के लोगों को मिलती है तो पिछले के लोग करे से लोग कहाँ पर जाना। इस वजह से हम लोग ये ग्रेजुएटी सबको आना, अब तक हमारी ग्रेजुएटी के लिए कोई भी हमारे को रेस्पॉन्स नहीं बताए, हम खुद लड़के CIT के थ्रू लड़के हम ग्रेजुएटी हासिल करें, लेकिन कुछ लोगों को हासिल होती है कुछ लोगों को हासिल नहीं होती, वजह क्या है गवर्नमेंट को मालूम। हम लोग तो इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ना हमारी तनख्वाहें टाइम पे होती है ना हमारी मांगे पूरी होती है, हमारे 5 साल से एक नया पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। लोकसभा इलेक्शन के बाद से हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया के 200 मुल्क गवाह हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे क्या हो रहा है, खास तौर से मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ तक कि जो बेचारे सिख और बुद्धिस्ट है उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा। ये तो हुई एक बार। वैसे तो 2014 से जब से BJP पावर में आई, खुले आम माइनॉरिटीज अंडर अटैक है और खास तौर से मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत ज्यादा अंडर अटैक है, और लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही BJP बेहिसाब खुल के सामने आ गई। कोई भी लिंचिंग, कोई भी मर्डर सरेआम दिन की रोशनी में सड़कों पर नहीं हो सकता जब तक के उसके पीछे पावर का बैकअप ना हो। जिस तरह से मुसलमानों को बिना वजह काटा मारा जलाया जा रहा है और फिर उनके घरों पे बिना वजह बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं है सिर्फ एक आइडेंटिटी अंडर अटैक है, यानी कि माइनॉरिटीज को किसी भी तरह सप्रेस और ऑप्रेस करना है। ये सरासर जुल्म है, गैर इंसानी हरकतें हैं, ये एक बड़ा क्राइम है जिसको रोकने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी पर आयद होती है, ख्वाह वो किसी भी मजहब के हो। अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत है तो आप इस जुल्म के खिलाफ जरूर खड़े हो। एक दूसरी चीज के दूसरी ठेकेदार हिंदुस्तान की जिन्होंने 75 साल से इस मुल्क को हिप्नोटाइज कर रखा है और पावर की अफीम पिला रखी है कि हमको वोट दे दो हम तुम्हें बचा लेंगे, कांग्रेस। मैं तो मानती हूँ कि अगर BJP बाप है संघियों का तो कांग्रेस माँ है संघियों। कांग्रेस भी आवाज नहीं उठाती, खास तौर से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उसमें बैठे हैं उनसे तो कोई तवक्को नहीं की जा सकती। दे आर द मोस्ट शेमलेस पीपुल दोज़ हू आर इन द पावर। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस कर करके 75 साल में आपकी नस्ल कशी हो गई। BJP सामने से वार करती है, कांग्रेस पीठ के पीछे से वार करती है। अभी यहाँ पर साफ बोलने की जरूरत है, अगर आप अपने लिए उठना चाहते हो, अगर आपको लगता है आपको अपनी नस्लें आपके बच्चे महफूज चाहिए, अपनी औरतें और अपने जवान बच्चे महफूज चाहिए, तो आपको इसी तरह सड़क पे खड़े होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। पूरे भारत देश के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI पूरा नेशन वाइड में ये एहतजाज कर रही है, जो लगातार जो हर 24 घंटे में एक मुसलमान की या तो क्रिश्चियन की या तो दलित की लिंचिंग हो रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। तीसरी मर्तबा जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लगातार पूरे देश भर में
जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और मुसलमानों के घरों को, प्रॉपर्टी को, मस्जिदों पर बुलडेजर चलाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सैकड़ों ऐसे केसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इवन जो स्टेट में, ऐसे स्टेट्स में जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में है, लेकिन वहां पर मस्जिदों पर डेमोलिशन किया जा रहा है। टीएमसी की सरकार वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग की जा रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर समाजवादी पार्टी को 36 एमपी सीट जीतने का मौका मिला, जीते हैं, वहां पर भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज को खत्ते बर्दाश्त नहीं करेगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।